Hello, this is Amarjot Singh, and I'm a practicing ICCRC consultant based in Edmonton, Canada. I post many case histories and my own cases and other cases so that people can get to understand. For the past about 1 or 2 months, there was a talk on my YouTube channel on something coming up on February 14th, which is Valentine's Day today. And thanks to God and thanks to just a team contribution of people who worked on a certain case, we have something to report on 14th. So we will talk about this case today. Mere khayal mein Punjabi ya Hindi ch kar raha kyunki kai log there's always a problem because you know non-Punjabi they would say you know why don't you speak in English? The English bolna the Punjabi kehnde nahi ji Punjabi tusi Punjabi ho Hindi wale kehnde nahi ji aap Hindi bolo. So let's make it maybe because the clients they speak Hindi, so maybe I'll just go in Hindi. So kai dinon se ek aisa ek charcha chal rahi thi ki bhai February 14 ko kuch hone wala hai. New Delhi High Commission mein is waqt kareeb kareeb 14 se 15 visa officers kaam karte hain aur spouse visa to bahut wahan par aa rahe hain aajkal. Spouse visa mein बहुत तरीके से वो एक चेक करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वेरीफाई करते हैं आपकी जेन्युइननेस है कि नहीं है वगैरह वगैरह. तो कईयों के इंटरव्यू आते हैं, कईयों के नहीं आते हैं. और इंटरव्यू जब आता है तो इंटरव्यू में अगर आपको आंसर आप सही नहीं दे पाए, अगर आपके स्पेशली आंसर आपके जेन्युइननेस जो टेस्ट करते हैं, अगर आंसर आप कंप्लीट नहीं दे पाए तो आपको कह देंगे सॉरी नो वीज़ा. अगर हस्बैंड वाइफ से उनकी टेस्टिमनी को कंपेयर करते हैं और कंसिस्टेंट नहीं है तब भी कहते हैं सॉरी नो वीज़ा. सो इंटरव्यू आना एक वो है कि एक बहुत बड़ा टेस्ट है उनके लिए. और कुछ ऑफिसर्स विच आई डोंट नो कि उनको कौन है कैसे हैं, कुछ ऑफिसर्स आर टू अग्रेसिव इन मेकिंग यू अ मिसरिप्रेजेंटेशन केस कि आपका केस हम मिसरिप्रेजेंट करते हैं. चलो एनीवे मेरे पास एक क्लाइंट आए इन एडमिंटन पिछले साल, दैट मीन्स अराउंड आई हैव सम डेट्स रिटन हियर. आई थिंक दे केम टू मी इन अराउंड सितंबर और अक्टूबर लास्ट ईयर. सो इट्स बीन क्लोज टू 6 months नाउ. तो ये जनाब यहाँ पर काम कर रहे हैं और वर्क परमिट पे काम कर रहे हैं और इनकी शादी हुई है इंडिया में. और इन्होंने मेरे आने से पहले इनका वीज़ा, जो वाइफ का वीज़ा है, मेरे एटलीस्ट दो बार तो रिफ्यूज़ हो चुका, शायद तीन बार ना हो गया, बट दो बार तो रिफ्यूज़ हो चुका था. तो मैंने भी जोश जोश में कह दिया ठीक है जी आपका काम हो जाएगा और मैंने केस ले लिया. एक बार मैंने फाइल किया तो पहली बार में रिजेक्ट हो गया. रीजन, उन्होंने कहा कि आपके वाइफ को कहा कि आपके हस्बैंड के पास फंड्स बिल्कुल नहीं है, फंड्स मतलब आपके जितने भी फंड्स हैं और वो आपके इनफ नहीं है, तो आप लोग आपके लिविंग एक्सपेंसेस आप बियर नहीं कर सकते. सो इन अदर वर्ड्स ही इज अनएबल टू फाइनेंशियली टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस. मेरे को लगा बड़ा, मेरे को झटका लगा एकदम, जैसे बिजली करंट डालते ना ऐसे झटका लगा, क्योंकि जो हस्बैंड है वो काम कर रहे हैं, यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, उनको अच्छी सैलरी मिल रही है. आई जस्ट वांट टू मेंटेन सम प्राइवेसी फॉर दिस पर्सन सो दैट यू नो वी डोंट वांट टू रिवील हु दिस पर्सन इज. बट एनीवे वो काम कर रहे हैं यहाँ पर और उनके पास सेविंग्स भी हैं बैंक में. सो कैनेडा में सेविंग्स भी हैं और मेरे को लगा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है. जब स्टूडेंट्स के स्पाउसेज आ सकते हैं, जब फंड्स की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो जब जो इंसान यहाँ पर काम कर रहा है, जो हस्बैंड जो काम कर रहा है, उसको उसको क्या प्रॉब्लम है कि उसको वो सस्टेन नहीं कर सकता अपनी वाइफ को. तो एनीवे मैंने दोबारा अप्लाई किया और जस्टिफाई किया कि भाई नहीं फंड्स तो हैं पूरे. फिर उन्होंने उसको इंटरव्यू के लिए बुला लिया, वाइफ को इंटरव्यू के लिए बुला लिया. अब वाइफ को इंटरव्यू के लिए बुला लिया, अब इंटरव्यू करने के बाद वही बातें फिर कि आपके पास फंड्स नहीं है आपके पास. बट एनीवे वाइफ जो इंडिया में है वो भी काम नहीं करती है, वो हाउस वाइफ है, उनके पास भी फंड्स नहीं है, पढ़ी लिखी है लेकिन काम नहीं करती. तो वाइफ के पास थोड़ा सा केस को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि वाइफ के पास फंड्स नहीं है, हस्बैंड यहाँ काम करते हैं, हस्बैंड के पास इनफ फंड्स हैं, जितने मेरे को लगता है कि उतने होने चाहिए, लाइकों में होने चाहिए, उतने उनके पास इनफ फंड्स हैं. इंटरव्यू में दोबारा उन्होंने कह दिया, दूसरे इंटरव्यू में दूसरी एप्लीकेशन दोबारा कह दिया कि भाई आपके पास यू नो डू यू हैव फंड्स. और अब मेरे को थोड़ा सा ना अब मैं अग्रेशन में आ रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि ये नाजायज है रिफ्यूजल. और मैंने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं. तो फिर मैंने जो वकालत करते हैं हम, जो असली जो काम होता है इमिग्रेशन लॉयर का और इमिग्रेशन कंसल्टेंट आईसीसीआरसी कंसल्टेंट का, वो रिफ्यूजल के बाद शुरू होता है.
एप्लीकेशन करने का तो कोई भी एप्लीकेशन कर दे, फॉर्म भर देगा, चेकलिस्ट दी हुआ करके, जिसका परफेक्ट केस है तो उसका तो वैसे ही हो जाना। असल चैलेंज तो होता है जिसका केस परफेक्ट नहीं है और फिर उसका वीजा कैसे मिलेगा, ये असली चैलेंज है उसकी पढ़ाई का, उसके एक्सपीरियंस का, उसके नुक्ते का, उसके जो स्किल है, जो भी कुछ है। एनीवे, जितना हम लोग को पता था उतना हमने किया और उसके बाद हम लोगों ने स्टेप लिए। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ने से पहले ना, इसके बाद आपको स्क्रीन पे शायद देख रहे हो, तो ये मैंने थोड़ा सा ब्लर आउट कर दिया है आपको। प्रिंसिपल एप्लीकेंट यूसीआई सब ब्लर कर रहे, एप्लीकेशन नंबर डेट रिसीव, ये अभी लेटेस्ट एप्लीकेशन का है, और ये रिव्यूइंग है December 4 और इस तरफ, और ये फाइनल डिसीजन। अब मैं इस पे जा रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा ये दिखाई देता हूँ आपको। एप्लीकेशन वॉज अप्रूव्ड रिसेंटली और ये वैलेंटाइन गिफ्ट का ये है, आज ही, मतलब आज, टुडे इज 14 फरवरी, आज ही इसका है ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट। और थोड़ा सा इसमें टाइम लाइन इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये November 22 को ये दूसरी एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन रिफ्यूज हो चुकी हैं, दो बार इंटरव्यू हो चुका है। अभी अभी मैं आप एक इंटरव्यू को बताया आपने, अब दूसरे इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा मैं। तो इवेंट स्केड्यूल दिख रहा है, December 23 को पहला इंटरव्यू हो चुका है, फिर करेस्पॉन्डेंस लेटर, ये वाली ये सब रिफ्यूजल किया, सॉरी रिफ्यूजल रिफ्यूजल दैट बीन टेकन केयर। उसके बाद ये जो रिफ्यूजल हुई है आपकी यहाँ पर January 22 के बाद, जो स्टेप हम लोगों ने लिया है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वो क्या है। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है नवंबर, ये मेरे पास आए थे सितंबर अक्टूबर में, और अक्टूबर 17 को मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इनसे कि ठीक है, आई एम विलिंग टू रिप्रेजेंट यू, और उसके बाद फिर हम लोगों ने फाइल करना शुरू करी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मेरे मेरे में और बाकी लॉयर्स में थोड़ा सा फर्क इतना है कि काम सभी कर रहे हैं, चलो हर हर एक की अपनी अपनी ऑफिस है, दुकान है, हर एक का प्रैक्टिस है। मेरी फीस बहुत ज्यादा है मार्केट में, कई लोग मेरे को कॉल करके पूछते हैं कि जी आप कितने फीस चार्ज करोगे। मैंने कहा कि अगर आप मेरे से फीस के बारे में बात कर रहे हो तो मैं आपका केस कभी नहीं लूंगा, मेरे को आप केस बताओ, और केस को मेरे को दिल में लगना चाहिए, दिल में मेरे को एक कांटा चुभना चाहिए कि हाँ इसको, इसके साथ इनजस्टिस हुआ है, इसके साथ बेइंसाफी हुई है, तब मैं आपका केस फाइट करूंगा। मैं सिर्फ केस अप्लाई करने का काम नहीं करता हूँ, मैं केस फाइट करने का काम करता हूँ। और जिसको लगता है कि मेरे को वीजा मिलना चाहिए तो मैं उसके लिए एट द एंड जितना भी हो सकता है पॉसिबल मैं उसके लिए करूंगा। डैट मीन्स मैं अप्लाई करूंगा, अप्लाई करने के बाद फिर मैं डायरेक्टली जो एम्बेसी के जो हेड्स है उससे बात करूंगा, उसको चिट्ठी लिखूंगा, उसको फैक्स करूंगा बार बार। उसके बाद अगर नहीं होता है तो मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन को लिखूंगा, नहीं होता तो प्राइम मिनिस्टर को लिखूंगा, जहां तक पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिस जिस लेवल पे ले जाना है, चाहे तो अपील में ले जाना है, चाहे फेडरल कोर्ट में ले जाना है, मैं आपके लिए लड़ूंगा। डैट मीन्स के एक बार अगर मेरे को आप पैसे देते हो, वो पैसे मैं आपको, अब मेनी पीपल आस्क मी, आप बता दो कितने पैसे लेते हैं, मैं कह भी आई कैन नॉट टेल यू अनलेस आई सी कि क्या आपका काम कितना है, कितना मुश्किल है, देन आई डिसाइड। लेकिन एक बार मैंने केस ले लिया तो आप समझे कि आपको वीजा मिलेगा, जब तक मेरी जान है, जब तक मेरे मेरे पास दम है, जब तक मेरे पास मैं कुछ काम करने की ताकत है, मैं आपको वीजा लेकर दूंगा। इट मे टेक 6 months, इट मे टेक 1 year, देयर आर सम केसेस द पीपल नो आई एम फाइटिंग फॉर 1 year, उनके काफी बार रिफ्यूज हो चुके हैं, उनको पता है क्या इश्यूज है, अगर इश्यूज उसको सॉल्व करना मेरे बस की बात है तो मैं सॉल्व कर लूंगा, लेकिन कुछ इश्यूज हैं जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ क्योंकि क्लाइंट के बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम है, शादी कुछ हुई है, कुछ जस भी है। तो क्लाइंट जब हम लेते हैं तो बिल्कुल एट द एंड हम इसको लेते रहते हैं, मतलब इसको हम करते रहेंगे जब तक आपको वीजा नहीं मिला। तो आपने केस मेरे को दे दिया, अब आप इत्मीनान से बैठे, आपको वीजा मैं लेके दूंगा, इट मे बी अ मैटर ऑफ टाइम। इनमें आप देखो कि यहाँ से केस शुरू हुआ, अक्टूबर से शुरू हुआ, दो बार पहले रिफ्यूज हो चुके हैं, दो बार मैंने किया और दो बार रिफ्यूज हो गया, तो 4 बार रिफ्यूजल हो गए, दिस 4 रिफ्यूजल नाउ। अब ये 5वीं बार, अब मैंने अपनी कलम चलानी शुरू करी, मैंने लेटर लिखने शुरू करे, और बिल्कुल केस में ऊपर तक ले गया। और उसके बाद फिर वहां से जवाब आया कि ठीक है जी, हम आपके केस को दोबारा से खोलना चाहते हैं, हम दोबारा से केस को आपको आपको रिव्यू करेंगे। और उसके बाद उन्होंने दोबारा से इंटरव्यू बुलाया। अब ये दूसरा इवेंट आप देखो, लाल दिख रहा है इवेंट स्केड्यूल, दिस इज ऑन January 27, January 27 को ये इवेंट स्केड्यूल कर दिया, और मतलब कि उन्होंने कहा कि आप दोबारा इंटरव्यू के लिए आए, और इनका इंटरव्यू हुआ है कल, तो कल इंटरव्यू हुआ, और आज February 14 को ये वैलेंटाइन डे गिफ्ट आ गया कि ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट, और उनको वीजा मिल गया, मतलब मिल जाएगा विद इन 1 or 2 days। तो
मेरे को बड़ी खुशी है और आई थैंक गॉड कि भी ये मेरी इज्जत बच गई इसमें कि हमने इसको मेहनत करी और मतलब हमारे टीम मेंबर्स थे, आई एम नॉट सेइंग मी, हमारे टीम मेंबर्स भी प्रैक्टिस अ लॉट, इंटरव्यू की प्रैक्टिस, घंटे घंटे इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग और घंटे घंटे उसको मॉक ट्रायल करते हैं, जैसे हम कैमरे पे हम उसको वॉच करते हैं कैसे जवाब दे रहे हैं, क्या जवाब देना, क्या गलती करी, फिर उसको दोबारा करें और दिस इज हाउ यू डू इट। इस केस में जो हस्बैंड थे जो यहाँ रहते थे वो इंडिया भी गए गए लेकिन वो इंटरव्यू में पहुंच नहीं पाए, वो अलग बात है, बीमार हो गए, वो अलग एक सिचुएशन है। और वहाँ पर वो उनको भी हमने दिन में 10 बार हम फोन कर रहे हैं उन्हें, चाहे तो वो अपने ठीक है बिजी हैं अपने फैमिली मेम्बर से मिले, लेकिन हमारी गरज है कि हम उनको वीजा मिले, मतलब हम उनको फोन कर रहे हैं कि भाई तुम उठ के ये प्रैक्टिस करो, ये ना भूल जाओ, ये याद है तुम्हें, ये कहना है, ये नहीं कहना, ऐसे कहना, इंटरप्रेटर तुमने, इंटरप्रेटर भी उन्होंने किया नहीं था, इंटरप्रेटर भी रात को इमरजेंसी में इंटरप्रेटर कंपनी को फोन करके उनसे कहा कि भाई आपके पास कोई खाली है जल्दी करो, मतलब कि अगले दिन सवेरे इंटरव्यू है और रात को हम बात कर रहे हैं रात को 9-10 बजे कि हमें लगता है कि इंटरप्रेटर शायद लेके जाना चाहिए, तो वो भी हम काम कर रहे हैं। और आज चलो ठीक है, वो क्लाइंट खुश है, मस्त है, दे डोंट हैव मच टाइम, बट यू नो दैट्स फाइन, दैट्स वे लाइफ इज, पर अल्टीमेटली सक्सेस हुआ है। और वैलेंटाइन डे का आज ये गिफ्ट है, मैंने लिखा भी हुआ वैलेंटाइन डे गिफ्ट है, सो आई थैंक द ऑल द टीम मेंबर्स जिसने ये काम किया है। एक मैं आपको जाते जाते एक बात जरूर करना चाहूंगा कि जो ये स्पाउस वीजा का जो बिजनेस है ना, इसके बारे में पहले भी इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, स्पाउस वीजा का बिजनेस स्पेशली जो पंजाब के जो एप्लीकेंट्स हैं, नॉर्दर्न बेल्ट के जो पंजाब हरियाणा दिल्ली के जो एप्लीकेंट्स हैं, वहां पर एक अप्रूवल रेट क्लोज टू इज आई वुड से लेस देन 35 or 40%, दैट मीन्स के 10 में से 6 एप्लीकेशंस रिफ्यूज होंगी होंगी ऑन अ डेली बेसिस एवरी डे। कई कमियां होती हैं स्पाउस वीजा में कि उनके बैकग्राउंड में रिलेशनशिप में क्या लिखा क्या नहीं लिखा, कैसे शादी हुई, कितनी देर बाद शादी हुई, कितना टाइम स्पेंड किया वगैरह वगैरह, दे आर सो मेनी, दे आर आई हैव अ लिस्ट ऑफ क्लोज टू अबाउट 25 डिफरेंट फैक्टर्स कि अगर इनमें से अगर कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिन लोगों के इंटरव्यू आए हैं और अगर आपका वीजा ऑफिसर ने आपको इंटरव्यू के बेस पे इंटरव्यू में कुछ आपके जवाब को सुन के चैलेंज किया हो या आपके इंटरव्यू के बेस पे आपको ये बोला है कि आपके जवाब नहीं मिल रहे या आपकी टेस्टिमनी कंप्लीट नहीं है या आपकी टेस्टिमनी में कुछ चीज है या आपको कुछ ऐसी कुछ चीज उन्होंने आपको कह दी जो आपको लगता है कि ये सही नहीं है, तो आप कॉन्टैक्ट करें मेरे को, आई वॉन्ट यू टू कॉन्टैक्ट मी बिकॉज माई माई जॉब इज नॉट टू जस्ट मेक एन एप्लीकेशन एंड पेपर एप्लीकेशन एंड जस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सिट सिट बैक, माई जॉब इज टू फाइट फॉर क्लाइंट्स, देयर्स अ बिग डिफरेंस इन व्हाट आई डू एंड अदर पीपल डू, अदर आई नो मेनी इमिग्रेशन लॉयर्स एंड कंसल्टेंट्स हु डू स्पाउस वीजा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिटिगेशन इन द कोर्ट एंड अदर थिंग्स, ऑफकोर्स देयर इज लॉट ऑफ फाइटिंग रिक्वायर्ड देयर एंड अपील रिक्वायर्ड देयर, बट जो स्पाउस वीजा का है, स्पाउस वीजा में अगर आपका रिफ्यूज होता है और स्पेशली अगर आपके कंसल्टेंट आपका साथ छोड़ दें और आपके साथ मतलब ज्यादा ना करें कि भी हमें कुछ कुछ नहीं पता क्या कर सकें, दैट्स इट वी आर डन, उस तरह के क्लाइंट मैं जरूर लेता हूं, आई वुड लाइक यू टू कॉल मी एंड डिस्कस योर केस विद मी सो दैट आई कैन टेल यू क्लियरली वेदर समथिंग कैन बी डन और नॉट, माई पैशन एंड माई प्रोफेशन बोथ इज टू फाइट फॉर सक्सेस फॉर माई क्लाइंट्स टू गेट द वीजा, और एक ही क्राइटेरिया है मेरा क्लाइंट लेने का, मेरे को वो केस पसंद आना चाहिए, मेरे को लगना चाहिए कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो मैं आपका केस लूंगा और मैं फाइट करूंगा, ऑफ कोर्स यू नो आई कैन नॉट डू इट फॉर फ्री, दिस इज माय प्रोफेशन, दैट्स द वे यू अर्न सैलरी एंड ओन बिजनेस यू मेक मनी एंड यू नो आई हैव टू चार्ज आल्सो, पर ये मैं आपको ये श्योर करता हूं कि अगर हम लोग ने केस ले लिया, मैं और मेरी टीम मेंबर्स हैं, एक इंडिया में भी है कि यहाँ पर भी हमारे पास एक टीम है पूरी स्पाउस वीजा की, स्पेशलिस्ट है जो रिसर्च करती है स्पाउस वीजा के बारे में, एंड आई कैन टेल यू दे आर आई हैव सीन सो मेनी लॉयर्स इन कैनेडा, फॉरगेट अबाउट इंडिया, मैं आपको बता सकता हूँ कि पूरे कैनेडा में इस वक्त स्पाउस वीजा टैकल करने के लिए इससे बेटर टीम ना है ना हो सकती है इन द नेक्स्ट एटलीस्ट 2-3 ईयर्स। सो आपके केस को हम लोग एनालाइज करते हैं और उसके लिए फिर हम फाइट करते हैं और यू नो वी विल गेट यू द वीजा सूनर और लेटर। जहां तक फीस का सवाल है, माय फीस इज वेरी हाई, एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड मी, कई बार लोग मेरे से लोग कहते हैं जी आप बात करने के पैसे लेते हो,
मैं कहता हूँ बात करने के पैसे लेता हूँ, क्यों नहीं लेता? अगर आपको बात मेरी बात में कुछ फायदा नजर आएगा तभी तो आप पैसे दोगे। अगर आपको फायदा नहीं नजर आया तो आप बताओ, तो आपको आने की जरूरत नहीं है, आप किससे भी फाइल लगवा लो। कई लोग मेरे को कहते हैं जी आप सिर्फ छोड़ो जी, आप बात करने के छोड़ो, आप सिर्फ फाइल लगा दो मेरी। मैंने कहा मैं फाइल नहीं लगाता, आई एम नॉट अ क्लर्क, आई एम नॉट एनी एजेंट के भी आपने फाइल लाई तो फाइल लगा दी। मैं अपने नाम आपकी एप्लीकेशन में तब साइन करूंगा जब मेरे को लगेगा कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है, और आपके हक को, आपके हकूक को मैं आपको दिलाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा बिजनेस है कि स्पाउस वीजा के मामले में मैं आपको आपका हक दिला के रहूंगा। एंड आई हैव टू चार्ज अ प्रीमियम फीस। आप अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आई अंडरस्टैंड, नहीं कर सकते, दैट्स फाइन, आई कैन, यू नो, वी कैन इग्नोर दैट फैक्ट। लेकिन कई लोग मेरे से कहते हैं कि जी आप इतने महंगे पैसे क्यों, इतना महंगा क्यों है आपकी सर्विस। मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, फिर या तो साइकिल चला लो, या स्कूटर चला लो, या तो फिर मारुति चला लो, या तो फिर BMW चला लो। जैसे जैसे जो चलाओगे उसका मजा उतना ही मिलेगा आपको। तो मेरी सर्विस जो है, मैं BMW की सर्विस है मेरी स्पाउस वीजा की। पर लेकिन ये जरूर है कि आपने एक बार अगर फाइल कराई, और मैं किसी से वो नहीं करता कि फाइल मेरे को दो। मेरे पास रोज के चार पांच केस आते हैं, कहते हैं इस फाइल का, तो मैं मना कर देता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। अगर मेरा पैसा कमाना ही अगर मेरा मकसद होता तो मैं सारी फाइल मैं ले लूँ, मैं नहीं लेता। मैं सिर्फ महीने के एक या दो फाइल लेता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं लेता। लेकिन वो लेता हूँ केस जिनके ऑलरेडी रिफ्यूज हैं। मेरे पास केसेस ऐसे हैं जो चार बार, पांच बार, छह छह बार भी रिफ्यूज हैं, उस तरह के केसेस मैं लेता हूँ। और उस तरह के केसेस में मैं इसलिए लिखता हूँ, नंबर 1, क्योंकि अगर मेरे को कोई लीगल उसमें कोई नुक्ता नजर आता है तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैं आपके लिए फाइट करूंगा। और दूसरी बात यह होती है कि जो इंसान इतना झेल चुका है, इतना रिफ्यूज हो चुका है, और फिर वो डिप्रेस हो जाता है। और अगर मेरे को लगता है कि आदमी फ्रस्ट्रेट हो गया, डिप्रेस हो गया, उसके पास कोई चारा नहीं दुनिया का, तब मैं उसकी जाके बांह पकड़ता हूँ। मैंने कहा तू बहुत देख चुका, तू बहुत पैसे कर चुका है, आई विल हेल्प यू नाउ, यू कम टू मी एंड आई विल गो फॉर दैट। बट आई फर्स्ट चांस, जिनके फ्रेश केसेस, आई ऑलवेज गिव देम फ्रेश चांस कि भाई आप अपनी एप्लीकेशन अपने आप लगाओ, पैसे बचाओ, व्हाई नॉट, अपने आप कर लो, लग जाएगा ठीक है, नहीं लगेगा, रिफ्यूज होएगा तब मेरे पास आना। सो दैट वॉज माई लिटल वैलेंटाइन डे प्रेजेंटेशन स्पीच। आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वैलेंटाइन डे गिफ्ट आ चुका है February 14th। मजे की बात यह है कि अभी क्लाइंट वगैरह सो रहे हैं, या उनको पता नहीं है, या वट एवर, मे बी दे आर बिजी सेलिब्रेटिंग। तो पता तो है उनको, लेकिन दे आर बिजी सेलिब्रेटिंग, दे डोंट हैव टाइम। आई वांटेड टू ब्रिंग देम ऑन द प्लेटफॉर्म सो दैट दे कैन टेल यू देयर ओन एक्सपीरियंस, बट आई गेस दे आर बिजी, बट दैट्स फाइन। सो जस्ट टू समराइज, वी गॉट द सक्सेस। जो कह रहे थे कि भी हाँ, एक 14 फरवरी को क्या आने वाली है, एक वीजा जो इंटरव्यू बहुत होते हैं एम्बेसी में, वो दो बार इंटरव्यू हो चुका है। दो बार इंटरव्यू करने के बाद, एक्चुअली इंटरव्यू एक बार बहुत होता है, और आपने देखा केसेस ऐसे नहीं है कि एक बार इंटरव्यू के बाद दोबारा इंटरव्यू आ जाए, लेकिन हमारे केस में दोबारा इंटरव्यू बुलाया उन्होंने, हम लोगों ने कुछ किया, कुछ स्टेप्स लिए, उसको देखकर उन्होंने दोबारा इंटरव्यू को बुलाया। दोबारा इंटरव्यू बुलाने के बाद फिर वीजा इशू, अभी अप्रूवल आ गया है, और यू नो एवरीथिंग इज लुकिंग आर गुड। सो अगर कोई आपके आपके केस में अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो एक लीगल कानून के तहत अगर घूम रही है, किसी वजह से उसको नहीं, उसको वो टैकल कर पा रहे हैं, सो यू ऑलवेज वेलकम टू टू कॉन्टैक्ट मी एंड आई कैन टेक अ लुक, एंड देन वी कैन फाइट फॉर केस। रिमेंबर, माई जॉब इज नॉट टू मेक एनी एप्लीकेशन, माई जॉब इज टू फाइट फॉर द स्पाउस वीजा। आई ओनली टेक केसेज वेयर देयर इज सम इनजस्टिस एंड आई कैन फाइट फॉर इट। इट मे टेक 6 months, इट मे टेक 1 year, बट आई विल फाइट फॉर इट, दिस इज माई जॉब। ऑलराइट, thank you very much for your time. I hope you enjoyed the rest of the day for the Valentine. And if you have any comments about this case or any other case that you want to talk about, you always write your comments. I read the comments. I may not answer all comments. I will answer those questions and comments which I think they are legal oriented. If somebody is writing things about, you know, I don't know, my personality or something, I will not answer the question. But if there's any legal question, I will definitely answer this question. Thank you. Take care.